दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आपने भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में रजिस्ट्रेशन किया है तो दोस्तों आप जिस भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों जॉब अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो अब यहां पर दे दिया गया है। तो दोस्तों किस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ताकि आपको इसी तरह जानकारी मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लगभग यहाँ पर जो सभी कैटेगरी का जॉब के लिए यहाँ पर जो अप्लाई करने का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमने एग्रीकल्चर फील्ड को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर वैकेंसीज है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि 8,000 मिलेगा कि 10,000 मिलेगा, कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया हुआ है, कितना पर मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया, कितने मंथ का आपका पर ट्रेनिंग रहने वाला है, कहाँ पर लोकेशन दिया गया, वो सारा कुछ आपको अब यहां पर ऑप्शन जो है वो लाइव कर दिया गया है। तो दोस्तों अब यहां पर आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है यानी कि mmsky.mp.gov.in पर। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको जॉब अप्लाई करने के लिए सबसे साइड में देखेंगे मेनू वाला ऑप्शन दिया गया यानी कि 3 लाइन वाला, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देन आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिक्तियां देखें, इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार यहां पर खुल करके आ जाता है यानी कि आपको यहां पर कैंडिडेट वैकेंसी सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है और यहीं से आपको अपने कंपनी के लिए यानी कि किसी भी जॉब के लिए आपको आवेदन करना होगा। आप यहां पर चाहे तो प्रतिष्ठान का नेम भी सर्च कर सकते हैं। देन आपको यहां पर आपको अपना स्टेट चूज करना है तो यहां पर देखिए मध्य प्रदेश एंड आउटसाइड ऑफ एमपी दिया गया है, तो आउटसाइड करना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर मध्य प्रदेश को ही सिलेक्ट करूंगा। देन यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप यहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं इस तरीके से आप अपना यहां पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहां पर आपको सेक्टर चूज करने के लिए बोला जाता है, तो जो भी आपका सेक्टर होगा जिस भी सेक्टर के लिए आपने यहां पर आवेदन किया है वही वाला आपको सेक्टर चूज करना है। तो यहां पर आपको सभी सेक्टर का नाम यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं यहां पर कोई भी एक सेक्टर को इस तरीके से हम यहां पर जो सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहां पर आपको देखिए सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आता है, तो यहां पर आपको कोर्स का जो नेम होगा वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपने जिस भी कोर्स के लिए आवेदन किया है सिंपली आपको अपना वाला यहां पर जो कोर्स ढूंढना है, जो भी आपका यहां पर कोर्स होगा अपने कोर्स को ढूंढ करके आपको इस तरीके से यहां पर जो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहां पर देखिए सर्च वाला ऑप्शन दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी जिस भी सेक्टर में आपने अप्लाई किया उस वाले सेक्टर का जो भी वैकेंसीज अवेलेबल रहेगा वो यहां पर आपको नीचे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए इनके लिए अभी यहां पर जो अवेलेबल हुआ है वो एक वैकेंसी अवेलेबल हो चुका है यानी कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर V2 का। तो यहां पर देखिए बताया गया सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, यहां पर कितना आपको मिनिमम स्टाइपेंड सैलरी दी जाएगी। तो यहां पर मंथली इनका देखिए 2,000 है जो कि काफी कम है, आपको 2,000 वाला अप्लाई नहीं करना है। इनका जो हाइएस्ट है वो 10,000 रखा गया है यानी कि 10,000 तक आपको यहां पर स्टाइपेंड मिलेगी। तो आपको वही वाला जो सबसे बेस्ट होगा हाई वाला वही वाला आपको अप्लाई करना है। इनका जो क्वालिफिकेशन है वो देख पा रहे कि 12th दिया गया है, कब यहां पर वैकेंसी यहां पर पब्लिश की गई है वो डेट देखने को मिल जाता है, ट्रेनिंग कितना दिन का होने वाला वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्यू एंड अप्लाई का, तो आपको डायरेक्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक नहीं करना है। देन आपको व्यू वाले ऑप्शन पर आपको पहले यहां पर क्लिक करना है। व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का, और यहां पर अभी देख पा रहे कि बैक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप बैक भी आना चाहे तो आ सकते हैं। देन उसके बाद यहां पर इस तरीके से खुल करके आ जाता है। यहां पर देख पा रहे कि कोर्स का आपको पूरा डिटेल यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पर जैसे कोर्स का नेम देखने को मिलेगा, कितना यहां पर रिक्तियां खाली है, रिक्तियां संख्या देखने को मिल जाता है, शैक्षिक योग्यता दिया गया है, यहां पर जो स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो देखिए 2,000 दिया जाएगा जो कि काफी कम है, और कोर्स कोड देखने को मिल जाता है, कोर्स की अवधि कितनी दिन की है वो भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये 1 साल का है तो आपको 1 साल वाला ही आपको यहां पर चूज करना है, और जो स्टाइपेंड रहेगा वो आपको 8,000 से ऊपर वाला ही चूज करना है, 8,000 10,000 यहां पर ग्रेजुएशन वालों को 10,000 तक यहां पर जो मिलेगा स्टाइपेंड इस तरीके से दिया गया है। उनके बाद यहां पर प्रतिष्ठान का क्या नाम है वो देखने को मिल जाता है, प्रतिष्ठान का प्रकार जैसे कि प्राइवेट दिया गया, कर्मचारियों की संख्या दिया गया, और यहां पर उनका जो स्थल होगा वो यहां पर आपको एड्रेस डिटेल यहां पर आपको नीचे देखने को मिल जाता है, कार्य का विवरण यहां पर दिया गया। तो काफी सारी आपको जानकारी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि सामान्य रिक्तियां दिया गया यानी कि और भी कई सारे दिए गए जैसे कि पंप ऑपरेटर, तो ये अलग है, इनका देखिए स्टाइपेंड 8,000 दिया गया है, और इनका भी देखिए 12 यहां पर रिक्तियां अभी भी खाली बता रहा है, कोर्स देख सकते हैं 12 मंथ दिया गया,
तो ये देखिए जो ज़्यादा रिक्तियाँ रहेगा यानी कि जिनका ज़्यादा सीट रहेगा वही वाला आपको अप्लाई करना है जो कि बेस्ट रहेगा। तो इनका स्टाइपेंड भी देखिए काफ़ी अच्छा दे रहा और रिक्तियाँ 12 है, और इस तरीके से देखते जाएंगे तो इनका रिक्तियाँ देख पा रहे कि 9 दिया गया है यानी कि 9 सीट खाली है, इनका देखिए 5 दिया गया। इसी तरीके से आपको चेक करना है, जो भी आपको अच्छा लगे उसी वाले आपको कोर्स को उस वाले जॉब के लिए आपको अप्लाई कर देना है। देन दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको सबसे ऊपर आना है, यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया गया, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी आपका यूज़र आईडी होगा, जो भी पासवर्ड होगा, जो भी कैप्चा होगा, आप यहाँ पर डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका जो अप्लाई हो जाता है। दोस्तों अभी अप्लाई करने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों अभी आपको अप्लाई नहीं करना, एक दो दिन के बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों अभी अभी यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को लाइव किया गया है तो कुछ यहाँ पर टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो अप्लाई कर देना है। और साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर दूसरे वैकेंसी के लिए देखना चाहते हैं यानी कि दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से ओपन कर लेना है। नीचे आपको जितने भी हाईलाइट में वैकेंसीज देखने को मिल जाते हैं तो सिंपली आपको उसी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पर एक जॉब यहाँ पर अवेलेबल है जिनमें यहाँ पर देखिए 5 सीटें दी गई है, तो सिंपली मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा अब मुझे सबसे ऊपर आना है, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड का ही खुल करके आ चुका है और यहाँ पर देखिए अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है और उन्हीं का आपको डिटेल यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर भी आपको कई सारे देखिए और भी जॉब वैकेंसीज देखने को मिलने लगे हैं। तो यहां पर देखिए 10,000 देखने को मिल रहा है यानी कि इनमें आपको 10,000 स्टाइपेंड दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखिए कंस्ट्रक्शन फीटर वाला है, इनमें यहां पर 4 सीट खाली है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन फीटर वाला ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे क्लिक करते हैं क्लिक हो जाता है, आपको सबसे ऊपर आना है। यहां पर देखिए कंस्ट्रक्शन फीटर का ही खुल करके आ चुका है, इनके बारे में आप यहां पर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, आपका पर जो लॉगिन हो जाएगा, इसी तरीके से आपको यहां पर जो अप्लाई कर देना है। साथ ही दोस्तों अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि जैसे कि यहां पर कंस्ट्रक्शन फीटर वाले इस वाले सेक्टर में कितने यहां पर सीट खाली है तो वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, यानी कि 4 सीट खाली है और कितने लोगों ने अब तक अप्लाई कर दिया है तो वो भी आपको जरूर चेक करना है। जैसे कि यहां पर देखिए 4 सीट खाली है, अब यहां पर कुछ दिन के बाद यहां पर हो सकता है कि यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि अप्लाई के नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगा कि इस वाले सेक्टर में कितने लोगों ने आवेदन किया है। यहां पर अगर जैसे 4 सीट खाली है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 10 कैंडिडेट अप्लाई, 15 कैंडिडेट अप्लाई, 20 कैंडिडेट अप्लाई, इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसमें ज्यादा रिक्त संख्या होगी वही वाला आप अप्लाई करेंगे तो ज्यादा चांसेस रहेगा आपको उसी वाले जॉब में लग जाएगी। तो इसी तरीके से आप यहां पर जो अप्लाई कर देना है। और साथ ही दोस्तों यहां पर सर्च करने का एक और बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको अपना अनुबंध पता है तो सिंपली यहां पर सर्च बाय यहां पर देखिए दिया गया है, तो यहां पर आपको अपना अनुबंध का यहां पर जो नेम टाइप कर देना है। हमने यहां पर पहले से कॉपी कर रखा है तो सिंपली हमने यहां पर पेस्ट कर दिया है और सिंपली आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस वाले अनुबंध में जितने भी यहां पर जॉब वैकेंसीज होंगे वो यहां पर आपको नीचे देखिए इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। अब आप जिस भी वैकेंसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल चेक करेंगे और यहीं से आप जो है अप्लाई कर देंगे। साथ ही दोस्तों जिस भी कंपनी में आप यहां पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद दोस्तों आप यहां पर जो अनुबंध होगा यानी कि हस्ताक्षर साइन वगैरह आपसे करवाया जाएगा तब जाकर के आप यहां पर जो फॉर्म कंप्लीट होता है। फिलहाल दोस्तों यहां पर अभी जो है वो जॉब वैकेंसी का ही ऑप्शन अवेलेबल हुआ है, तो पहले आप यहां पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद दोस्तों अनुबंध का भी आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो वो भी आपको कुछ दिनों के बाद देखने को मिल जाएगा।